टू माय चैनल क्रिटिक और मैं वही तरीका सीख ले इस तरह के एडिटिंग हम कैसे करते हैं। तरीका सारा के सारा आप लोगों को इसी वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं पहले से ही काइन मास्टर ऐप पर आ चुका हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद ये दरमियान वाला ब्रैकेट को सेलेक्ट कर देना है। ब्रैकेट को सेलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने फिर क्या कर देना है। यहाँ पर मीडिया पर जाते हैं और मैंने एक वीडियो को शूट किया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों ने वीडियो को शूट कर देना है। जैसे कि ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैंने सिंपली एक वीडियो इस तरह की शूट किया है। तो आप लोगों ने भी इस तरह के एक वीडियो को शूट कर देना है। वीडियो को शूट करने के बाद आप लोगों को मैं एडिटिंग सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे एडिटिंग कर देना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो फर्स्ट में इस तरह के मैंने कमरा के दरवाजा दिखाए हैं जिसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से एक पिक्चर ले लेना है। तो यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव फ्रॉम एट प्लेहेड, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो पिक्चर है ना आपकी गैलरी में सेव हो गया। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, ये जो आप लोग देख सकते हो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट फास्ट में आ चुके हैं तो इसे हम कट करते हैं। कैंची का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऊपर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक करते हैं तो ये जो पार्ट है ना ये कट हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस तरह की वीडियो के आखिर में आना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो है ना ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो बाद है ना इसे हम भी कट करते हैं क्योंकि ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड सेकंड नंबर पर, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार वीडियो प्ले करता हूँ, देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरह की वीडियो है, सिंपल नॉर्मल वीडियो है। इस पर हम अगर एडिटिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो ये कुछ इस तरह के वीडियो है। अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो जो आप लोगों ने पिक्चर को सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाई पिक्चर जो आप लोगों ने यहाँ से कैप्चर किया उस पिक्चर को आप लोगों ने एडिट करना है। पिक्चर को कैसे एडिट करना है मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले पिक्चर को एडिट करते हैं। तो आप लोगों को अब मैं फोटो एडिट करने का तरीका बताता हूँ। आप लोग सिंपली पिक्सार्ट से भी कर सकते हो लेकिन मैं ज्यादातर इस ऐप से एडिट कर सकता एडिट करता हूँ पिक्चर को। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐप है, सिंपल ऐप है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग इसका नाम देख सकते हो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर। आप लोग सिंपली प्ले स्टोर में ये सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग जिसे भी करते हो आप लोगों की मर्जी, लेकिन मैं आप लोगों को इसी ऐप से सिखाने वाला हूँ। तो नीचे आप लोगों को कैमरा और गैलरी दिखाई देता है तो मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ। गैलरी पर क्लिक करने के बाद ऑल गैलरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने जो पिक्चर को कैप्चर किया था मैं आप लोगों को वही पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये पिक्चर मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के सामने है। तो इसका ये जो अंदर का कमरे का जो अंदर की जो हालत है ना इसे हम कट करते हैं, इसे हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो मेनू जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं और इसको इसी तरह के रिमूव करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करूंगा क्योंकि अगर मैं आहिस्ता हिस्सा करूंगा तो ज्यादा टाइम लगे। आप लोगों ने आहिस्ता हिस्सा कर देना है और अच्छे तरीके से इसे रिमूव कर देना है। तो इसी तरह के आप लोगों ने कट कर देना है। मैंने पहले से ही इसे कट कर रखा है तो मैं आप लोगों को वही बताता हूँ। तो इसी तरह के आप लोगों ने कट कर देना है, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने पहले से ही कट किया है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो चलो दोस्तों मैं इसे कट करता हूँ और आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह कट कर देना है जैसे कि आप लोगों को मैंने सिखा दी। तो मैंने पहले से ही कट किया है, मैं वही लेता हूँ और आप लोगों को फिर काइन मास्टर में जाता हूँ और वहाँ एडिटिंग सिखाता हूँ। तो हमने पिक्चर को एडिट किया, अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और वो पिक्चर जो आप लोगों ने अभी अभी एडिट किया तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वही पिक्चर आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। तो ये पिक्चर जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया आप ये पिक्चर देख सकते हो इस कमरे में मैंने कट किया है दरमियान में। तो इस पर क्या करे यहाँ पर जो कैंची के साइड में ऑप्शन आप लोगों को दिखाई थे ये वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑफ के साइड में व्हाइट कलर जो है ना इस पर क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है इस पिक्चर को
आप लोगों ने इतना बढ़ा देना है, और जब आप दोबारा वापस जाते हैं इस तरह के और दोबारा वापस आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने वहां तक आप लोगों ने इसको रख देना है, आखिर तक नहीं बढ़ाना। तो यहाँ तक आप लोगों ने बढ़ाना है। मैं आप लोगों को एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा एट्रेक्टिव लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने थोड़ा जल्दी में ही बनाया, अगर आप लोग का हिस्सा बनाओगे तो आपकी वीडियो इससे भी ज्यादा अच्छी आएगी। तो ये देख सकते हो वीडियो हमारा कंप्लीट बन चुकी है, इसमें मुश्किल होने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा तरीका समझ आया होगा। अगर सब कुछ समझ आया है और वीडियो पसंद आई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।